गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतु द्वारा अनुकूलन में। इससे पहले हमने पढ़ा था ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में, जिसमें भालू की विशेषता और पेंगुइन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में रहने वाले जंतुओं की विशेषता। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है। वहाँ की जलवायु गर्म होती है क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास में स्थित होते हैं, इसलिए यहाँ का तापमान अधिक होता है। सबसे सर्द महीनों में भी, जो सबसे सर्दी वाले महीने होते हैं, वहाँ भी उस समय भी तापमान सामान्यतः कितना 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, और गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। यानी जब जो सर्द महीने होते हैं उनमें तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहता है, और जो गर्मी है उसमें तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। वर्ष भर दिनों रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। पूरे साल भर में दिनों रात की लंबाई बराबर होती है। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। इस क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। इस उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत के पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। सतत गर्मी यानी लगातार गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। यानी लगातार गर्मी होने के कारण और लगातार वर्षा के कारण यहाँ अलग अलग प्रजाति के पादप और जंतु पाए जाते हैं। वर्षा वनों में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के जंतुओं में बंदर, कपियप्स, गुरिल्ला, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प, पक्षी और कीट है। जंतुओं की जनसंख्या यहाँ पे अधिक होती है, अतः उनमें भोजन और आश्रय के लिए सघन प्रतिस्पर्धा रहती है। यानी यहाँ पे क्या है, जंतुओं की संख्या अधिक होती है तो उनमें आपस में एक तो भोजन के लिए और एक आवास के लिए प्रतिस्पर्धा यानी लड़ाई होती रहती है। अनेक जंतु वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। कई प्रकार के जंतु ऐसे होते हैं जो वृक्ष पर ही रहते हैं। लाल नेत्रों वाले मेंढक के पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं। यहाँ पे इस क्षेत्र में पाए जाते हैं लाल नेत्र वाले मेंढक। ये उसकी विशेषता, उसके नेत्र कैसे होते हैं, लाल नेत्र वाले मेंढक। इसकी विशेषता होती है इसके जो पैर के तलवे वो होते हैं चिपचिपे। इसके पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं, जिससे ये पेड़ पर आसानी से रह सकता है। इसके पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं जो उन्हें वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं, जिस वृक्ष पर ये रहते हैं। तो ये क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाली प्रजाति है और ये उसकी विशेषता। वृक्षों पर रहने में सहायता के लिए बंदरों की लंबी पूंछ होती है। यहाँ पे जो बंदर पाए जाते हैं उनकी लंबी पूंछ होती है ताकि वो पेड़ पर आसानी से रह सके। लंबी पूंछ होती है जिससे वो पेड़ पर आसानी से टिक सके, जो शाखाओं को पकड़ने में सहायक होती है। इनके हाथ पैर ऐसे होते हैं जिससे ये आसानी से शाखाओं को थाम सके। तो ये उस क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जंतुओं की विशेषता। क्योंकि इन वनों में आवास करने वाले जंतु में भोजन के लिए परस्पर स्पर्धा होती है। कुछ जंतु ऐसे भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं जहाँ अन्य जंतु आसानी से नहीं पहुँच सकते। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जहाँ पे ये अन्य जंतु नहीं पहुँच सकते। उदाहरण के लिए यहाँ पे एक पक्षी पाया जाता है जिसका नाम है टूकन नामक पक्षी। इसकी लंबी चोंच होती है, जो टूकन नामक पक्षी, इसकी लंबी चोंच होती है। इसकी चोंच इतनी लंबी होती है कि जो निर्बल, जो कमजोर होती है, वहाँ से भी अपना भोजन प्राप्त कर लेती है। उदाहरण के लिए टूकन नामक पक्षी की लंबी बड़ी चोंच होती है जिसकी सहायता से ये ऐसी शाखाओं में लगे फलों तक भी पहुँच सकता है। यानी ऐसी जो दुर्बल शाखा है उनमें लगे वृक्ष फलों तक भी पहुँच सकता है, जो बहुत कमजोर होती है उसका भार नहीं सहन कर सकती। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाने वाले अनेक जंतुओं में सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि यानी देखने की, मोटी त्वचा और ऐसे वर्ण रंग की त्वचा होती है जो उन्हें आसपास के क्षेत्र के साथ मिलकर छद्मावरण करने में सहायक होती है। यानी उनमें एक तो सुनने की शक्ति, एक देखने की तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा और उनका त्वचा का रंग ऐसा होता है ताकि वो शिकारी की देखरेख में नहीं आ सके, और उनकी परभक्षियों से रक्षा होती है। उदाहरण के लिए बिलाव परिवार के जंतुओं जैसे शेर और चीता में मोटी खाल होती है तथा उनकी सुनने की शक्ति संवेदनशील होती है। उसके बाद है लायल टेल्ड लंगूर, जिसे दाढ़ी वाला ऐप भी कहते हैं, पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता होती है जो लायल टेल्ड लंगूर है, इसकी शरीर विशेषता होती है चांदी जैसी, इसकी सफेद आयल होती है।
चांदी जैसी श्वेत आयल होती है जो सिर के चारों ओर गालों और चुबुक तक रहती है। ये वृक्षों पर आसानी से चढ़ जाता है और अपने जीवन का अधिकांश समय वृक्षों पर व्यतीत करता है। यह मुख्यतः फल, इसका भोजन फल है, फल खाता है, बीज, कोमल पत्तियां, तने, पुष्प और कलियां भी खाता है। लायल टेंट लंगूर वृक्षों की छाल में वास करने वाले कीटों की तलाश में रहता है। जो पेड़ों की छाल में जो छोटे छोटे कीट पाए जाते हैं उनको भी भोजन के रूप में ग्रहण करता है। चूंकि लंगूर वृक्षों पर पर्याप्त भोजन जुटा पाने में समर्थ होते हैं अतः भूमि पर यदा कदा ही आते, यानी वृक्षों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए जमीन पर ये बहुत कम आते हैं। भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षावन का एक अन्य परिचित जंतु हाथी है। हाथी अनेक प्रकार से वर्षावनों की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। इसकी सूंड को ध्यान से देखिए, जिसका उपयोग वह नाक के रूप में करता है। जो हाथी होता है उसकी एक लंबी सूंड होती है, इसका उपयोग वह नाक के रूप में करता है। लंबी सूंड से इसकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। हाथी द्वारा सूंड का उपयोग सूंघने के लिए और भोजन को उठाने के लिए किया चाहता है। यद्यपि इसके बाह्य दंत जिन्हें रद्द कहते हैं वास्तव में रूपांतरित दंत होते हैं। इन दांतों से हाथी अपनी पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकता है, यानी उसके बाहरी जो दांत होते हैं जिन्हें रद्द कहते हैं इनकी सहायता से जो वृक्ष होते हैं उनकी छाल को आसानी से छील कर काम में लेता है। अतः भोजन के लिए स्पर्धा के बावजूद हाथी आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ होता है। हाथी के लंबे बड़े कान इसकी विशेषता है। इसके लंबे बड़े कान होते हैं, बहुत हल्की ध्वनि को भी इसको सुनने में सहायक होते हैं। वर्षा वनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उसके कान सहायक होते हैं, यानी जो इसके लंबे कान है तो सुनने में और एक उसके शरीर को ठंडा बनाए रखने के काम में ली जाती है। तो आज हमने इस टॉपिक में पढ़ा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाने वाले जंतु और उनकी विशेषता के बारे में देखा। अब आपको इसको इसके बारे में विशेषता के बारे में पढ़ना है। धन्यवाद।